दर्शक बिंद नमस्कार प्राइम टाइम में अमित ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करे छी हम सब आ सके प्राइम टाइम के जे हमर सब के निरंतरता वही के आई से हो एकटा श्रृंखला ल के हम सब उपस्थित भेल छी। आई मुख्यतः प्रदेश दू में केंद्रित भ के बातचीत करे चाहब। प्रदेश दू के एकटा आयोग जे बहुत चर्चित छे नीति आयोग वही के सदस्य हमरा सब के साथ में छथि। हिनका युवा नेता में बौद्धिक नेता के रूप में सेहो मानल जाय छै। डॉक्टर सुरेंद्र झा छथि हमरा सब के साथ में। आई हुनका संगे प्रदेश दू के नीति आयोग के कार्यदिशा तथा प्रदेश के की केना कार्यक्रम सब रहते आ लास्ट पार्ट में जाकर पार्टी आ केंद्रीय राजनीति पर सेहो बातचीत हेतै समसामयिक विषय पर। एखन हुनका संगे के प्राइम टाइम के बातचीत शुरू करै छी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नीति आयोग में अहाँ एखन आयल छी। नीति आयोग चर्चा पेने छै देश भर में। हालांकि जे मुख्य एकर चर्चा के स्रोत जे छै ओ भारत से कहल जाइ छै मिलल छै, लेकिन एकटा जेना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत इहो नीति आयोग के चर्चा भरल छै। एहिमे अहाँ एखन नवनियुक्त भऽ आयल छी, की सोच के साथ आयल छी? एखन अहाँ के बौद्धिक नेता के रूप में सेहो देखल जाइ छै, लीडरशिप के क्वालिटी सेहो रहल अछि, तऽ डुअल रोल रहल छै, मल्टी क्वालिटी के साथ आयल छी, की लऽ कऽ एबै जाहिसँ नीति आयोग में आप अपन कंट्रीब्यूशन दऽ सकू? प्रथम तऽ ई त्यौहार के समय छै। हम सम्पूर्ण मधेशवासी और देश के समग्र जनता के जे छै से हार्दिक शुभकामना व्यक्त करय चाहै छी आबयवला दीपावली छठि के अवसर पर। और खास कर जे अपने नीति आयोग के बात उठेलहुँ हैं, तो प्रदेश के संरचना और प्रदेश सरकार के कार्यक्रम सब तय करय के लेल एकटा संवैधानिक आयोग के परिकल्पना कयल गेल छै। तो एकर नाम जे छै से किछु प्रदेश में योजना आयोग सेहो कहै छै। आब संघीय सरकार के अपन एकटा योजना आयोग छै, ताहि दुआरे प्रदेश नंबर दू में एकर नाम नीति आयोग देल गेल छै। ई संविधान के जे परिकल्पना छै ताहि भीतरे के ई आयोग छै। खास कऽ कऽ एहि आयोग के महत्व एहि दुआरे छै जे सरकार के जे कार्यक्रम सब छै ओहि कार्यक्रम सब के रूपरेखा तैयार केनाइ और ओहि रूपरेखा अनुसार सँ जे छै से योजना सब के जे छै से तर्जुमा केनाइ और योजना सब तर्जुमा केला के बाद में प्रायोरिटी जे छै से कोन योजना के देबै से तय केनाइ और एकर क्रियान्वयन और संगे संगे अहाँके एकर इवैल्यूएशन मॉनिटरिंग के जे छै से सेहो पक्ष जे छै से योजना आयोग से जुड़ल रहै छै, नीति आयोग से जुड़ल रहै छै। ताहि दुआरे एकर विशेष महत्व तऽ छै। और संगे संगे हमसब नया संरचना में गेल छी, देश के जे छै से संघीय संरचना में मधेश आंदोलन के कारण जे छै से देश संघीय संरचना में गेलै। ओकर जे छै से जननी मधेश के जनता, मधेश के भूमि, मधेश के जे छै से शहादत देनिहार शहीद सबक कारण जे छै से ई सब उपलब्धि प्राप्त भेल छै। एहि परिस्थिति में राजनीतिक कोर्स परिवर्तन भेलै, नेपाल के गवर्निंग सिस्टम जे छै से परिवर्तन भऽ कऽ हमसब रिपब्लिक फेडरल सिस्टम में हमसब चलि गेल छी। तऽ एहन परिस्थिति में काज करय के छै तऽ नीति आयोग के एहि दुआरे विशेष महत्व छै जे नीति आयोग के आब की काज छै अपने के जे एहि प्रदेश में दू नंबर प्रदेश के जे छै से एकर जनसंख्या, एकर सामाजिक सांस्कृतिक भू के अवस्था, भूमि के अवस्था, प्राकृतिक स्रोत साधन एहि सब पर जे छै से अहाँके सूक्ष्म रूप से एकर अध्ययन भेनाइ जरूरी छै। और अध्ययन केला के बाद में काल्हि जाकर हमरा सबके एकटा विजन सेट करय के अवस्था छै। विजन सेट करबै तऽ अहाँके बहुत तात्कालीन की कयल जा सकै छै, तऽ शॉर्ट टर्म एकटा प्लान जे छै से बनेनाइ जरूरी छै। तकर बाद में मध्यकालीन योजना की भऽ सकै छै, तऽ मध्यकालीन योजना सेहो एकटा निर्माण करय के अवस्था छै। और दूरगामी रूप में एहि प्रदेश नंबर दू के हमसब कतय लऽ जाय चाहै छी और एकर जे छै से केना कऽ हमसब ओहिठाम पहुँचबै, हमर सबके दूरगामी जे छै से दृष्टिकोण की अइ, हमर सबके लक्ष्य की अइ से निर्धारण केनाइ। एखन के जो यदि बात कयल जाय तऽ कथी पर काज भऽ रहल छै, नीति आयोग के भीतर में चर्चा की भऽ रहल छै? हम आबि रहल छी, तो लक्ष्य जे छै से निर्धारण करनाइ और लक्ष्य निर्धारण भऽ जाइ छै तऽ ओ लक्ष्य प्राप्ति के लेल रणनीति सेहो बनाबऽ पड़तै, तऽ नीतिगत रणनीति के तर्जुमा केनाइ और तकर बाद में अहाँके एकर जे छै से कार्यान्वयन के पक्ष सब अबै छै। तऽ प्रादेशिक सरकार के खास कऽ कऽ अहाँके मंत्री परिषद
मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के कार्यालय लगाकर 7 टा मंत्रालय सब छे तो वो सब के जे छै से आगे जे नीति बनतै ओकर एकटा मास्टर प्लान बनाबै के जिम्मेवारी जे छै से नीति आयोग के छै तो ते दुआरे नीति आयोग के महत्व छै और दोसर संगे संगे हमरा अहाँ के एकटा इहो बुझै पड़तै जे अहाँ दीर्घकालीन जे विजन लक्ष्य जे सेट कऽ रहल छियै ओ समाज के रूपांतरण के लेल हमसब सोचि रहल छी और अखन के जे अहाँ के तात्कालीन अवस्था में देखबै तो ई देश के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के यदि अपना सब रेफरेंस लेबै तो प्रदेश नंबर 2 अहाँ के शिक्षा में स्वास्थ्य में गरीबी रेखा से जे छै से नीचा के जे छै जनसंख्या के जे छै से आधार लेबै तो ई प्रदेश जे छै से सबसे दयनीय अवस्था में छै एहि प्रदेश के जे 8 टा जिला छै ओकर अवस्था एहिठाम के जनसंख्या के अवस्था जे छै से दयनीय अवस्था में छै ताहि दुआरे प्रदेश सरकार के लग में और नीति आयोग के लग में एक बहुत बड़का चुनौती की छै कि ई अवसरों छै और संगे संगे चुनौतियों छै अवसर एहि दुआरे छै जे हमसब हर जगह में जे छै से हर क्षेत्र में जे छै से काज करय के लेल एहिठाम यथेष्ट संभावना छै और चुनौतियों इएह छै जे एकरा सबके हमसब केना कऽ जे छै से मीट करब और कतेक हद तक जे छै से आम जनता के जीवन शैली में जे छै से रूपांतरण हमसब केना कऽ आनि सकी और आम जनता के जे छै से मनोवैज्ञानिक चेंज एटीट्यूडनल चेंज जे छै से हमसब केना कऽ लाबि सकी ताहि के लेल जे छै से एकटा अहाँके चुनौती छै एहि सब चुनौती सबके सामना करय के लेल नीति आयोग अपन कार्यक्रम सब लऽ कऽ जे छै आगा बढ़नाइ आवश्यकता छै संगे संगे अपने के इहो कहि दी कि जे कहलहुँ जे हमसब नया सिस्टम में प्रवेश कयने छी तऽ अखन जे छै से ई शुरुआत के अवस्था छै बहुत चीज जे छै से हमसब नया नया चीज सब जे छै से सृजना करय के वातावरण बनि रहल छै जेना बहुत चीज कागजे में सीमित छै अब अहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बात छै अहाँ के कार्यालय सब संचालन के बात छै अहाँ के किछु अनुसंधान सर्वे रिसर्च सब करय के अवस्था छै अहाँ के प्रोफाइलिंग करय के अवस्था छै अहाँ के जे कहलहुँ हैं जे एहिठाम के जनसंख्या के जे डेमोग्राफिक मिक्स छै ओकरा अध्ययन केनाइ बहुत जरूरी छै संगे संगे एहिठाम के सामाजिक जे सोशल मिक्स छै ओकर बारे में अध्ययन केनाइ जरूरी छै साइंटिफिकली अध्ययन केनाइ जरूरी छै वैज्ञानिक ढंग सँ तकर बाद में अहाँ के एहिठाम प्राकृतिक स्रोत साधन के लेखा जोखा और ओकर जे छै से रूपरेखा के बारे में अध्ययन केनाइ जरूरी छै ई अध्ययन जे जरूरी अहाँ बताबि रहल छियै कोनो भी प्लान बनाबक लेल ई तऽ जरूरी हेबे करै छै एखन जँ यदि विभिन्न क्षेत्र के अध्ययन के जँ यदि बात करी ओहि पर काज भऽ रहल छै कि ओहो एखन अध्ययन केनाइ के चर्चे कयल जा रहल छै किछु नहि ओ तऽ अहाँ के कथि छै कि करहे पड़तै अहाँके ईसब चीज तऽ निरन्तर प्रोसेसमे छै जेना एकटा की कहऽ चाहि रहल छी हम अहाँके कि नया सिस्टममे हमसब प्रवेश कयलहुँ हँ नीति आयोग अखनो तक जे छै से हमसब काल्हिके मितिसँ एकर जे छै से मुख्यमंत्री जी एकर अध्यक्ष होइ छथिन डॉक्टर हरिवंश झा जी वरिष्ठ इकोनॉमिस्ट एकर उपाध्यक्ष छथिन हम भेलहुँ राजकुमार लेखी जी भेलखिन मोहन चौधरी जी भेलखिन ताहिमे 4 सदस्य जे छै से मुख्यमंत्री लगा 5 सदस्य ई एकटा टीम बनलैए तऽ भरखर जे छै से एकटा ई टीम जे छै से पूर्णतयाके ओर जे छै से आगाँ बढ़ि रहल छै आओर सङ्गे सङ्गे एकर कार्यालय जे छै से सेहो व्यवस्थित करयके छै ईसब एक्टिविटीज सब जे छै से करयके छै ताहि दुआरे बहुत बेसी काज हमसब आगाँ बढ़ा देली से अवस्था नहि छै लेकिन अहाँके जेना 74-75 जे छै से किछु योजना अयलै बहुत कम समय रहै प्रदेश सरकारके लगमे कार्य योजना सबके क्रियान्वयन करयके लेल जम्मा मोटा मोटी 35-38 दिन मात्रे समय भेटलै तऽ किछु बजेटो सब रहै किछु कार्यक्रमो सब भेलै तऽ ओकरा हमसब बढ़िआँ जकाँ आगाँ नहि बढ़ाबऽ सकलहुँ ओहिमे से एकटा प्रमुख योजना जे छै से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान जे छै से सफलताके ओर जे छै से गेलै आब अखन जे छै से अहाँके 75 के जे छै से बजट भाषण सब भेल छै ओकर कार्यनीति सब योजना सब आयल छै तऽ ओहि सबमे नीति आयोगके तरफसँ जे जे प्रकारके योगदान होबक चाही इनपुट होबक चाही से तऽ ओहिमे भेबे केलै कोनो चीजके अहाँ रोकि कऽ जे छै से कोनो एकटा कार्य सम्पादन करबै से अवस्था नहि छै सङ्गे सङ्गे चलऽके अवस्था छै तऽ नीतियो आयोगके भीतरमे जे छै से आब हमरा सबके एकटा पैघ जे छै से जिम्मेवारी छै जे अपना ई प्रदेश नम्बर 2 के जे जतेक बात अपनेके कहलहुँ हँ एहि सब सेक्टर्सके जे छै प्रोफाइलिंग केनाके करबै आओर एकटा जे छै से तात्कालीन शॉर्ट टर्म प्लान एकटा जे छै से गोल लक्ष्य जे छै से सेट करय पड़तै लगभग 7-8 महीना कहल जाय प्रदेश सरकारके
फुली फंक्शनिंग में एला हो जा रहा है। अमे नीति आयोग के वह ड्यूरेशन मानल जाए कर्मचारी अभाव जे कहल जाए छे से प्रदेश सरकार के बार बार वही तरफ ध्यान वो संघीय सरकार के खींच चाहे छे। नीति आयोगो कतौ ने कतौ ओहिसँ जुड़ल हेतै, ओहिसँ कतेक असर अहाँ सबके पड़ि रहल अछि? नहि असर छै अहाँके, एहि दुआरे असर छै जे संघीय सरकारेके जे छै से अहाँके सब दोष देबैसँ अवस्था नहिओ भऽ सकैए। एकरा एनाके बुझऽ पड़तै अपनेके, जेना एकटा बिल्डिंग निर्माण करऽ चाहै छियै, घर निर्माण करऽ चाहै छियै, तऽ ओ समय लगै छै, ओकर अपने कोर्स ऑफ टाइम होइ छै। तऽ ई नया सिस्टममे अहाँ जखन हमसब जा रहल छी तऽ एकरा किछु समय तऽ लगबे करतै, कारण अहाँ नया सेटअपमे जा रहल छी, सिस्टमे नया बनाबऽ चाहि रहल छी, तऽ ओकर अपन एकटा जे समय सीमा छै से तऽ लेबे करतै। लेकिन जहाँ तक अपने कर्मचारी सबके बात कहलहुँ हँ तऽ ई प्रदेश नम्बर दू जे छै अहाँके, ई सङ्घर्षके कारण संघीयता अयलै, आओर संघीयता जे छै से देखऽके दृष्टिकोण की छै कि प्रदेश नम्बर दूके सफलता असफलतासँ संघीयताके सफलता असफलता जुड़ल छै। एहन परिस्थितिमे अहाँके जाहि शक्तिके विरुद्धमे जे छै से सङ्घर्ष भेल रहै ओ शक्तिसब जे छै अखन केन्द्रीय सत्तामे जे छै से हुनकर सबके आधिपत्य छै, ताहि अवस्थामे केन्द्रीकृत जे छै से अहाँके कर्मचारी प्रणाली जे छै से नेपालमे लागू छै। नेपालमे डेमोक्रेसी अयलै 2047 के बाद तैयो, आओर अखन रिपब्लिक भऽ गेलै तैयो अहाँके कर्मचारी तंत्र जे छै से सेंट्रलाइज सिस्टममे चलै छै। ओकरा अहाँके आब कम्प्लीटली जे छै से ओकरा री इंजीनियरिंग कऽ कऽ संघीय संरचनामे लऽ जाएके छै। एहिमे बीचमे एहि लेल रोकल सुनेंगे जे बार बार ई जे स्टेटमेंट छै ने सुनऽमे अबै छै जे देशके संघीयता प्रदेश दू पर टिकल छै, लेकिन केन्द्रीय सरकार जे छै ओ ई बात तऽ नहि स्वीकार करैत रहै छै। ओ बार बार जाकर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहै छै जे प्रदेश दूए संघीयता समाप्त करऽ दिस आगाँ बढ़ि रहल छै, चाहे ओ प्रचंड जीके स्टेटमेंटो लऽ लिअ, ओ ओवरटेक करऽके बात सेहो कहि रहल छथि। तऽ ई जे स्टेटमेंट छै ने जे देशके संघीयता प्रदेश दू पर निर्भर छै, एकरा केना जस्टिफाई कऽ रहल छै? नहि ई तऽ अहाँके जस्टिफाईके आवश्यकते नहि छै। जेना सूर्य पूर्व तरफ जे छै से मानि लिअ उदयमान होइ छै, सबके बुझल छै, तहिने एहि देशमे संघीयता ककरा द्वारे अयलै? तऽ मधेशी जनताके द्वारे अयलै, मधेशके द्वारे अयलै, मधेशी जनताके कुर्बानीके द्वारे अयलै, मधेश शहीदके जे छै से खून बहलै ताहि कारणसँ अयलै। ई तऽ हमसब हमरा सबके केओ थारीमे सजा कऽ जे छै संघीयता आनि देलखिन से अवस्था नहि छै, तऽ ओकरा जस्टिफाई करनाइ हमरा बुझाइए जे ओकरा आवश्यकते नहि छै। कारण क्रेडिट तऽ तत्कालीन नेकपा माओवादी नेपाली कांग्रेस सब सेहो लै छै ने, जे मात्रे इएह बेल्टके लोग आन्दोलन केलकै सेहो बात नहि छै। तऽ ओसब यदि क्रेडिट लै छथिन तऽ आब अहाँ दोसर लाइनमे हमरा लऽ जा रहल छी संवादके, ओसब क्रेडिट लै छथिन ताहिसँ हमरा ओतेक असर नहि पड़ि रहल यऽ। लेकिन क्रेडिट जे लै छथिन तऽ वएह सब लोक छथिन ने जे संविधान निर्माणमे निर्णायक भूमिका खेललखिन, आओर निर्णायक भूमिका खेललखिन तऽ संघीयताके जे छै से कतौ ने कतौ जे छै से ओसब अधिकार सम्पन्न जे छै से नहि बनेलखिन। जेना अपनेके हम कहि दै छी कि प्राकृतिक स्रोत साधन बाँट फाँटके जे छै से चाहे वित्तीय आयोगके बात कहबै तऽ अखनो केहन अवस्था छै जे एक तऽ संसारमे कतौ नहि भेला तीन तह निर्माण कयल गेलै नेपालमे, तऽ वएह सब यदि संघीयता आनलखिन तऽ स्थानीय तह प्रदेश सङ्घ किया निर्माण केलखिन? विश्वव्यापीकरण जे छै से विश्वव्यापी नियम छै जे दूटा तह होइ छै, प्रदेश होइ छै आओर सङ्घ होइ छै। प्रदेशके माता हाथमे जे छै से अहाँके स्थानीय तह रहतै, तऽ से तऽ ओहिठमन समस्या क्रिएट कऽ देलखिन ओसब। तकर बादमे अहाँके लगभग 17% जे छै से बजट जे छै से अहाँके दूटा तहमे देल गेल छै, प्रदेशमे आओर स्थानीय तहमे, जाहिमे अहाँके प्रदेशके लगमे लगभग 7-8% बजट जे छै प्रदेश लगमे छै। तऽ खास कऽ कऽ कहबै जे ओसब यदि वएह सब यदि अनलखिन, मानि लै छियै यदि ओसब बहुत उदार छथिन एहिके बारेमे, इहो चीज मानि लै छियै, तऽ अहाँके हुनका सबके तऽ ई स्रोत साधन बाँट फाँटके सवालमे तऽ खुला हृदयसँ करितथिन ने, लगभग 40-45% बजट दैतथिन अहाँके प्रदेशमे। खास कऽ कऽ प्रदेश नम्बर दुइएमे जे छै से मधेशी गठबन्धनके सरकार छै, अन्य प्रदेश सबमे तऽ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीएके सरकार छै प्राय जगहमे, तऽ ओसब तऽ उदार हृदयसँ एकरा जे छै से आगाँ बढ़ेबतथिन। तकर बादमे अहाँके 8 वर्ष लगा कऽ संविधान निर्माण भेलै, तऽ जहिया हमसब अन्तरिम संविधान जे छै से बनलै एहि देशमे तहिए पता रहै ने कि आब देश संघीय संरचनामे जा रहल छै। तऽ जे सब लोक नेतृत्व करैत हथिन तत्कालीन सरकार सबके, अहीँके शब्द लै छी हम पार्टी सबके, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी तत्कालीन एमआलए, माओवादी पार्टी, नेपाली कांग्रेस पार्टी, वएह सब सत्ता सञ्चालनमे रहथिन, तऽ हुनका सबके तऽ ई विजन सेट करितथिन ने जे संविधान बनिते देरी हमसब संघीयतामे जेबै तऽ मुख्यमंत्रीके कार्यालयके आवश्यकता पड़तै, मंत्रालयके आवश्यकता पड़तै, नीति आयोगके आवश्यकता पड़तै, ओहिठाम कर्मचारीके आवश्यकता पड़तै। ओहि हिसाबसँ तऽ 8 वर्षमे तऽ अहू सब संरचनाके ओसब जे छै कम्प्लीट फेडरल सिस्टममे लऽ जैतथिन, से तऽ ओसब नहि केलखिन।
संविधान जारी केलखिन तहु दिन देश में रक्तपात पूर्ण अवस्था रहलै, आधा जनता ओहि संविधान के लेल दीपावली मनेलकै, आधा जनता ओहि संविधान के जे छै से काला दिन बनेलकै। तो आठ वर्ष के समय जे ओ सब व्यतीत केलखिन तऽ संहिता के फेवर में तो व्यतीत नहीं केलखिन, बारम्बार जे छै से कहैत रहि गेलखिन जे ई संहिता जे छै से एकटा समस्या छै, बाध्यतावश हमसब एकरा मानै छी। अखनो के जे अवस्था हम देख रहल छी वर्तमान अवस्था में तऽ संहिता के मजबूत करे के यदि आशय रहतै तऽ संघीय संसद में भाषण देबे के लेल प्रधानमंत्री जी के लेल ओ जगह छै, हुनकर जगह ओहिठमन छै स्पीच देबे के, तो अखन मजबूत कर देथिन संहिता के संघीय संरचना के, अपन चीफ मिनिस्टर्स के अपन मिनिस्टर्स के एकरा मजबूती तरफ लऽ जेथिन, कम्प्लीट डिसेंट्रलाइजेशन पर विश्वास कर देथिन अहाँके, तऽ से बात तऽ नहि छै। कर्मचारी तंत्र के जे अहाँ बात कहलहुँ हैं तऽ अखनो तक की छै ओ अहाँके कम्प्लीट सेंट्रलाइज सिस्टम पर विश्वास करै छै, प्रदेश नंबर दुए के नहि, कर्मचारी के जे बात कहबै अहाँके तऽ प्रदेश नंबर तीनों में समस्या छै, अन्य सब प्रदेश में समस्या छै, कते ठाम तऽ एहन भऽ गेल छै कि कार्य करै के वातावरणे नहि रहि गेल छै अहाँके, तऽ कर्मचारी जे छै से तकरा हमसब प्रदेश में पठा नहि पाबि रहल छी, जे कर्मचारी सब अबै छथिन तऽ हुनकर माइंड सेट एटीट्यूड के सेहो प्रॉब्लम सब देखऽ में आबि रहल छै अहाँके, तऽ ताहि दुआरे ई सब की छै अहाँके कि संरचना सबके जे छै से फेडरल सिस्टम में लऽ जेनाइ एकटा चुनौतीपूर्ण छै। जहाँ तक अहाँ एकटा पैघ नेता के बारे में कहलहुँ जे ओ कहलखिन जे प्रदेश नंबर दुए संहिता के अगेंस्ट में काज करै छै, तऽ ओ जे दृष्टान्त के कारण ई कहलखिन ताहिमे अपने के हम कहऽ चाहै छी कि प्रदेश नंबर दू के जनता के 250 वर्षसँ 40 वर्षसँ जे छै से अहाँके विकास नहि भेलै, ओकर सबके डेवलपमेंट नहि भेलै, ओकर संस्कृति सभ्यता के सम्मान नहि भेलै, भाषा के सम्मान नहि भेलै, जाहिके कारण संहिता एलै, तऽ ओकरा तऽ हतार छै, ओकरा तऽ चाहै छै जे हम किछु करी, ओ तऽ एक्टिवमे छै, कारण खून बहाके ई सिस्टममे आयल छै। तऽ प्रदेश नंबर दू के सरकार कानून निर्माण केलकै अहाँके, तऽ ओ कानून निर्माणमे जे छै से संघीय सरकार पहिले कानून निर्माण कऽ देने रहितै तऽ हमरा सबके समस्ये नहि होइतै। संघीय सरकार लगमे यथेष्ट स्रोत साधन छै, कर्मचारी तंत्र छै, न्यायालय छै, सबचीज हुनका सबके सङ्गमे छनि, तैयो ओ सब कानून बनाकर नहि देलखिन, ओहिसँ पहिले प्रदेश सरकार कानून बना देलकै, जेना अहाँके इंगित हैत प्रहरी एन सम्बन्धी कानूनके, तऽ ओ तऽ प्रदेश सरकार केन्द्र सरकारसँ आगाँ छै अहाँके, स्पीडमे छै अहाँके, कारण जे ओकरा काज करैके इच्छा छै, ओ काज कऽ कऽ देखा देलकै, तऽ ओ अहाँके संघके विरुद्धमे काज केलकै से बात थोड़बे छै। संघीय सरकार लेजी भऽ गेलै, संघीय सरकार ओ काज करैमे लेट लगा देलखिन, से तऽ हुनकर सबके चैलेंज जे छै ने। एहि बातके जोड़ै छी ओहि कार्यक्रममे सेहो मुख्यमंत्री जी सेहो कहने छलखिन जे जतेक कोऑपरेशन होबऽके चाही संघके सरकार आ प्रदेशके सरकारके बीचमे ओ देखल नहि जा रहल छै, आ संघीय सरकार ओतेक मतलब इंटरेस्ट नहि दऽ रहल छै, असहयोग कर्मचारी आ नियम कानूनमे मात्रे छै कि आरो व्यवस्था समेत सेहो देखल जा रहल छै। अहाँके एकटा बात कथी बुझऽ पड़त कि जे संविधानके हमसब विरोध करैत एलियै ओहि संविधानके जे छै से विरोध करैके तऽ किछु कारण सब हेतै, आइ ओहि संविधानके लोकतान्त्रिक शक्ति होबैके कारण ओहि भीतरमे रहिके हमसब ई सरकार निर्माण कऽ रहल छी, सरकार सञ्चालनके प्रयत्न कऽ रहल छी, तऽ स्वाभाविक छै ओ समस्या जे चीजके हमसब विरोध करै छी दफा उपदफा जे प्रक्रियाके, तऽ ओ तऽ अखनो छैहे, ओ तऽ ऑब्स्टैकलके रूपमे तऽ छैहे अहाँके, समस्याके रूपमे तऽ छैहे। प्रदेश सरकारके फंक्शनिंगमे सेहो दिक्कत दऽ रहल अइ ओ सब, आ फंक्शनिंग अहाँके प्रदेश सरकारके अहाँ कथी परिकल्पना केने छी, जेना प्रदेश सरकार की काज कऽ सकैए, तऽ अपना मनसँ चीफ मिनिस्टरके जे मन हेतै से तऽ नहि कऽ सकै छथिन, मंत्री परिषद एकटा निर्णय कऽ कऽ किछु कहतै हम करब से तऽ नहि भऽ सकै छै, ओकरा लेल तऽ संवैधानिक दायरा भीतरमे फंक्शन करऽ पड़ै छै। जेना चर्चा होइत रहै छै जे कहियो कालके ई बुझाइत रहै छै कि जिलाके सी डी ओ जे छै से चीफ मिनिस्टर्सके मातहतमे किया नहि रहतै, जिलाके जे छै से मानि लिअ प्रहरी प्रशासन जे छै से एडमिनिस्ट्रेशन जे छै से चीफ मिनिस्टर्सके मातहतमे किया नहि रहतै, चीफ मिनिस्टर किया एकटा मन्त्रालयके मातहतमे किया नहि रहतै, ई तऽ कहियो कालके चैलेंजेस तऽ छै, ईसब चीजमे चैलेंजेस तऽ छै अहाँके, तऽ एकरा सबके आब जेना कोन कोन कार्यालय सब जे छै से अहाँके प्रदेश सरकारके मातहतमे रहतै, कोन कोन कार्यालय छै केन्द्रीय सरकारके मातहतमे रहतै, निर्णय सब किछु होइ छै तऽ कहियो काल कन्फ्लिक्टिंग निर्णय भऽ जाइ छै, केन्द्र सरकारके एकटा निर्णय रहै छै, प्रदेश सरकारके दोसर निर्णय करऽ पड़ै छै, कारण जे केन्द्रीय सरकारके जे नीति नियम छै, जे काज करैके ढर्रा छै, वएह जहिनेके तहिने प्रदेश सरकार जे लागू करतै तऽ एतेक सङ्घर्ष करैके कोन जरूरी छलै, ओ ढर्रा ओ प्लान ओ सिस्टम ठीक नहि रहै, ओहिठाम नया सिस्टम इस्टैब्लिश करबै ताहिके लेल नहि संहिता अयलै, ओहिके लेल नहि प्रदेश सरकारके नेतृत्व करनिहार हमरा सब सन हरेक जगहमे हम कहऽ चाहै छी कि जे ओकर नेतृत्व करनिहार साथी भाई सबके, हमर सबके दृष्टिकोण तऽ ई रहै जे ओहि सिस्टमसँ पुराना सिस्टमसँ हमर सबके जनताके अपेक्षा पूरा नहि भेलै, ओहिमे नया सिस्टम लाबऽ चाहि रहल छी, तऽ वेलकमिंग करैके काज तऽ संघीय सरकारके भऽ सकै छै। ताहि दुआरे संघीय सरकारके असहयोगके अर्थ कथी होइ छै अहाँके, सबसँ बड़का असहयोग तऽ ओतै भऽ गेलै कि एकरा जे छै तीन तह बना देलकै अहाँके, सबसँ बड़का असहयोग ओतै भऽ गेलै
जे सेना प्रहरी के संघीय संरचना में नहीं लगे सबसे बड़का असहयोग अहाँ के कत भेल से हम अहाँ कहे जहन अहाँ प्रादेशिक सिस्टम में चल गए तो कर्मचारी भरना से लग सारा चीज जो है पुलिस के भरना से लग सारा चीज जो है से तो आप संघीय संरचना के अंतर्गत होबक चाहिए से तो नहीं भरल छे अखनो नेपाल प्रहरी जैसे विज्ञापन निकालने अहाँ के लोक सेवा आयोग जैसे विज्ञापन निकालने अहाँ के तो वो जो विज्ञापन लग के कर्मचारी भरना करते प्रहरी भरना करते सेना भरना करते ककरा ले करते प्रदेश नंबर 2 के लिए कर रहा है या प्रदेश नंबर 7 के लिए कर रहा है या प्रदेश नंबर 3 के लिए कर रहा है या समग्र नेपाल के लिए कर रहा है अभी तो क्लैरिटी नहीं है तो ये तो डायरेक्ट बुझाई है जे सिस्टम में हम सब आगा बढ़ रहा है जे हिसाब से एक अहाँ के स्वीकार कर पड़ते से सिस्टम में तो आगा नहीं बढ़ रहा सरकार केंद्रीय सरकार तो इस सब पर तो ध्यान देव पड़ते जना अहाँ के अखन जते आयोग है संवैधानिक आयोग केंद्रों में अहाँ के संघीय सरकार के मातहत में जते संवैधानिक आयोग है ओकरा सबके अहाँ के प्रादेशिक लेवल में लऽ जाए पड़ते अहाँ के चाहे वो निर्वाचन आयोग हो चाहे वो मानवाधिकार आयोग हो चाहे अहाँ के वो लोक सेवा आयोग हो सबके अहाँ के प्रादेशिक स्तर में लऽ जाए पड़ते प्रदेश नंबर 2 जैसे प्रहरी एन पास कल के तो ओमे कथी समस्या छे ओ तो बढ़िया बात छे पास करे के छले हमरा सबके केंद्र सरकार तो ओकरा सुस्वागत करक चाहिए अहाँ के ओमे ओतेक जैसे तिल मिलाए के जरूरी नहीं छे अहाँ वो सब कहते अहाँ के हम सब लेट भ गेलहुँ कनी जल्दी करे के छले या हमरा सबके अन्य काज सब में व्यस्त भ गेलियै अच्छा ठीके छे अहाँ सब बनेलिए हमहुँ सब बना के पठबै छी बाद में हेतै तऽ बैस के ओकरा म्यूचुअल मैचिंग करऽ पड़तै जे बात केना की रहतै से बात छै तऽ से तऽ ओ सब नहि केलखिन तऽ ताहि दुआरे अहाँ के खाली असहयोग मतलब सहयोग मतलब कथी आ मुँह से बड़ सहयोग कर रहा छी अहाँ एहिठाम प्रदेश में आबि के प्रधानमंत्री जी संबोधन केलखिन बहुत बड़का सहयोग बुझाइत रहे हुनका तो ओहिठमन आबे के जे छै से अधिकार नहि छै संसार में कतौ भी प्रधानमंत्री संघीय प्रधानमंत्री प्रदेश सभा के संबोधन करैत नहि चलै छै अहाँ के ओ एलखिन आ जाकर काठमांडू में कहलखिन अखनो अहाँ के देखबै बहुत पत्र पत्रिका में कहलखिन जे संघीय संरचना महंगो व्यवस्था हो एस्तै भए इसमें विचार करनु पर संघीयता विचार कार्य में ओ नहीं देखा जा रहा ओ एते तक बाई देलखिन जखन कि उनका ई बात के यादाश्त रहक चाहिए कि ओ तो संघीय संरचना बेला संविधान अंतर्गत के प्रधानमंत्री छथिन तो ई बात कह के उनका अधिकार नहीं छन तो अरे असहयोग सब भ रहल छै नहीं भ रहल छै से बात नहीं छै दर्शकवृन्द आइ हम सब चर्चा कर रहल छी प्रदेश 2 के नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर सुरेंद्र झा संगे एखन समय भेल अछि छोट छीन व्यावसायिक विश्राम के विश्रामक बाद एहि प्रदेश के शिक्षा स्वास्थ्य पूर्वाधार लगायत अन्य विकासक पूर्वाधार पर केना कऽ आगा बढ़ल जाए ओहि सब विषय में चर्चा जारी रहतै एखन व्यावसायिक विश्राम व्यावसायिक विश्राम के बाद प्राइम टाइम में फिर से स्वागत करै छी आइ हमरा सबके साथ में छथि प्रदेश 2 के नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर सुरेंद्र झा सुरेंद्र जी विभिन्न बात से भेले ब्रेक से पहले आब प्रदेश 2 पर केंद्रित होइ छी अहाँ स्टार्टिंगों में कहने रही जे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम अहाँ बहुत पछा छी शिक्षा के जो यदि बात करी तो कतेक पछा छी से सब आदमी हम अहाँ जानते छी सरकारी स्कूल में टीचर नहीं छै पूर्वाधार नहीं छै बच्चा सब जेबो नहीं करै छै गेला पर ड्रॉप रेट बहुत बेसी छै तो नीति आयोग के बारे में चाहे अहाँ पर्सनली से हो की सोच के आयल छी जे ई सब होबे के चाही दू तीन टा इमीडिएट स्टेप हो सके ताहिके बाद मध्यकालीन योजना दीर्घकालीन जेना अहाँ शुरू में कहै छी लेकिन जे तत्काल तुरंत इफेक्ट के साथ करय वाला की काज सब हो सकै छै देखियौ एकटा चीज तऽ कथी स्पष्ट भऽ जाइके छै अपना सबके कि भ्रम में रह के नहि छै संघीयता बगैर एहि देश के परिकल्पना नहीं कयल जा सकै छै आइ के डेट में प्रदेश सरकार ई पहिले सरकार छै संघीयता के बाद ई पहिले बेर ई सरकार निर्माण भेलैए और प्रदेश सरकार असफल होबे के एकरा लग में प्रिविलेज नहि छै ई सरकार काज करतै और बहुत ढंग से काज करतै और जते स्रोत साधन हमरा सबके संग में छै ओकरा हम सब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कहै छै फुलिएस्ट यूटिलाइजेशन क के जनता के बीच में हम सब जेबै और जनता जे छै से आइ के मधेश के जनता शिक्षित छै मधेश में संचार जगत के बढ़िया भूमिका छै आइ के डेट में आर्थिक केंद्र बिंदु छै प्रदेश नंबर 2 तो हमरा सबके दायित्व कथी बनै छै कि हम सब जे जतय छी संघीयता पक्षधर मधेश गठबंधन के और चाहे गठबंधन से बाहरों के जे राजनीतिक दल सब छथिन हुनका सबके ई बुझय पड़तै जे ई सरकार सफलता के ओर यदि जा रहल छै तो मधेश सफल भऽ रहल छै एहि दुआरे जे हमर सबके सबसे बड़का लक्ष्य कथी छै कि संवैधानिक अधिकार के सुनिश्चितता और मधेश के समृद्धि तो मधेश के समृद्धि के यात्रा में हम सब आगा बढ़ रहा छी तो ताहि दुआरे एहिमे अहाँ जेना कहलहुँ हैं एहिमे बहुत सा आयाम छै जे पर हमरा सबके काज करय पड़त
और मधेश के एक टा ई दिखाव के छे एठन के जनता के और एठन के संपूर्ण राजनीतिक दल के नेतृत्वकर्ता मित्र सब के जे हम सब यूनाइट छी, हम सब यूनाइटेड छी और हम सब मधेश के फ्यूचर के लिए हम सब चिंतित छी। हमरा बुझाइए जे अब हम सब आंतरिक डायलॉग जे छै से बढ़ाव के अवस्था छै यहाँ के सरकार के संयंत्र भीतर में जे छै से सेहो नीति आयोग के आंतरिक डायलॉग बढ़ेनाइ के बहुत जरूरी छै। तकर बाद में अहाँ के संसद भीतर के जे राजनीतिक शक्ति सब छथिन हुनको सब संगे डायलॉग बढ़ेनाइ के जरूरी छै और आंतरिक डायलॉग स्ट्रांग भऽ कऽ एकटा जे छै से अहाँ के एकटा विचारधारा निर्माण करय के अवस्था छै मंथन सँ और तकर बाद में अहाँ के नीति आयोग के जे से प्रदेश सभा के भवन सँ बाहर जाकर समाज के हर सेक्टर्स के जे छै से अहाँ के व्यक्तित्व सब के संगे जे छै से डायलॉग के आवश्यकता छै, कनेक्टिविटी के आवश्यकता छै और एकटा महासागर में जेना मंथन होइ छै एकटा मंथन क कहै छै से हमरा सब के एकटा लक्ष्य साझा लक्ष्य हम एहि चीज के विश्वास करै छी कि खाली एहि सरकार के मात्रे ई लक्ष्य छै तेना नहि होइ, कम सँ कम हमसब 20 वर्ष के बाद के मधेश केहन हेतै तकर एकटा जे छै से हमसब कन्सेप्ट तैयार करी और ओ मधेश के जे छै से कन्सेप्ट काल्हि भने कोनो भी पार्टी के सरकार निर्माण हेतै प्रदेश के तऽ एहन संभावना रहै जो हर सरकार प्रत्येक सरकार ओहि लक्ष्य के जे छै से अपन लक्ष्य बुझै और ओहि यात्रा में जे छै से काज करै। ताहि दुआरे हम आबि रहल छी ओहि के की करय के चाही शिक्षा नहि एग्जैक्टली हम आबि रहल छी अहाँके अहाँ माइक्रो लेवल के छोटका छोटका बात हमरा से पूछ रहल छी लेकिन हम अहाँके एकटा रोड मैप दै छी। बिना रोड मैप के जे छै से संघ संस्था इंस्टीट्यूशन सब आगाँ नहि बढ़ि सकैया। तुआरे एकटा कम से कम 20 वर्ष के मधेश के परिकल्पना करय पड़तै, कम से कम अहाँके 4 सरकार जे संचालन मे एतै तकर बाद के जे छै से मधेश केहन बनतै से एकटा विजन सेट करनाइ जरूरी छै अहाँके। ओ विजन हम अहाँके बारम्बार दोहराबऽ चाहि रहल छी कि ओ साझा मधेश के विजन होइ, सब तबका के जे छै से शक्ति सब ओकरा अपन साझा जे छै से विजन लक्ष्य जे छै से बुझै और प्रण करै जे एहि लक्ष्य पर हमरा सबके जेना कभी पहुँचे के कारण ई हमर सबके संतति के लेल आवश्यक छै। ताहि दुआरे एकटा ई जे छै से अहाँके कन्सेप्शन अननाइ जरूरी छै, ओहिके लेल नीति आयोग जे छै से अहाँके आंतरिक डायलॉग हम कहलहुँ अहाँके और बाह्य डायलॉग जे छै से ओकरा बढ़ाबऽ पड़तै, कनेक्टिविटी बढ़ाबऽ पड़तै और जतेक जे छै से अहाँके स्टेक होल्डर्स सब छथिन हुनका सबके सङ्गे जे छै से कोन स्तरके कोलैबोरेशनके जरूरी भऽ सकै छै, कोन स्तरके जे छै से अहाँके कनेक्टिविटीके जरूरी भऽ सकै छै ताहिपर हमसब अखन काज कऽ रहल छी और तकर बादमे अहाँके शॉर्ट टर्म ई 4 वर्षमे हमसब की करबै, ई सरकार कमसँ कम मिनिमम की डिलीवर कऽ सकैए ताहिपर जे छै से अहाँके तत्कालीन शॉर्ट टर्म प्लान जे छै से हमरा सबके बनाबऽके और मध्यकालीन 10 वर्षमे जे छै से मधेश जे छै से कोन कोन जे छै से इंडेक्सेस कोन कोन जे छै से अहाँके पैरामीटर्समे कथी कथी जे छै से अचीव कऽ सकैए से एकटा जे छै अहाँके हमसब हमरा बुझाइए जे नीति आयोग एहि दिशामे से आगाँ बढ़तै ई विजन हमसब सेट करऽ चाहै छी। ताहि दुआरे अखन जे अहाँ कहलहुँ हँ जे तुरंत प्रदेश सरकारके कथी सब करऽके छै तऽ अहाँके हम कहि रहल छी कि सबसँ बड़का संघर्ष तऽ हमरा सबके एहि चीज लेल भऽ रहल अइ कि हमसब जे छै से इन्फ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस बिल्डिंग एहि सब प्रोसेसमे जे छै से हमसब अखन जे छै से कनि बेसी समय लागि रहल अइ। संघके जे छै से कनि बेसी उदार भाव नहि होबऽके कारण जे छै से कर्मचारी तंत्रके जे छै से सेहो समस्या सब यथेष्ट समस्या सब छै अहाँके। जेना नीति आयोगके बात छै अहाँके तऽ हमसब 49 सदस्यीय जे छै से कर्मचारीके परिकल्पना कयने छी, ओहि अनुसारसँ जे अखन कहबै अहाँके तऽ हमरा सबमे मुश्किलसँ 3 आदमी कर्मचारी मात्रे अवेलेबल छथि, ओहो जे छै से अहाँके एकदमे जे छै से ऑपरेटिव लेवलके इम्प्लॉई सब मात्रे छथिन तऽ एकरा सबके डेवलप करैत जाय पड़तै और ई सब डेवलपमेंटके प्रोसेसमे छै तऽ ई चीज जे छै से आगाँ बढ़तै। लेकिन एहि सरकारके आब ई आर्थिक वर्षके बाहक भी 4 आर्थिक वर्ष छै जाहिमे हमरा सबके जे छै से डिलीवर करयके बात छै। तऽ जेना अहाँ कहलियै पब्लिक एडुकेशनके अहाँ कोन सिस्टममे लऽ जाय चाहि रहल छी ओहिपर जे छै से अहाँके यथेष्ट डिबेट करय पड़तै अहाँके। दोसर केंद्रीय एडुकेशन सिस्टम जे छै से ओ यदि केंद्र लेवलमे संघीय लेवलमे ओकरा संघीयताके संरचनामे ओसब केना कऽ ओकरा रूपांतरण करय चाहि रहल छथिन, ओहि मॉडल ओकर हुनकर सबके मॉडल कोन ढंगके छै, ओ मॉडल हमरा सबके लेल कतेक सुइटेबल हेतै ताहि बातपर सेहो जे छै विचार करनाइ जरूरी छै। जहाँ तक अहाँ कहलहुँ इन्फ्रास्ट्रक्चर सबके अभाव छै एडुकेशन सेक्टरमे, इन्फ्रास्ट्रक्चर छै लेकिन हम बहुते ठमन ई देख रहल छी अहाँके माइंड सेटके अभाव छै।
एटीट्यूडनल प्रॉब्लम सब देखा देखाई छै अहाँ के अइठन के जे इंस्टिट्यूट में हम सब छी जे हमरा सब के गांव ठाउ में जे इंस्टिट्यूट छै जे स्कूल छै जे कॉलेज छै जेठमन के हम टीचर छी जेठमन के हम कर्मचारी छी जेठन के हम विद्यार्थी छी त हमर सब के प्राइम रिस्पांसिबिलिटी छै कि पब्लिक प्रॉपर्टी के हम सब साझा कम्युनिटी के प्रॉपर्टी माइन के ओकर संरक्षण तरफ जाय ओकर ओन करी कि हमर छै एकरा जे से संरक्षण सुरक्षा एकर जे से दुर्गामी सस्टेनेबिलिटी में हमर दायित्व की भ सकै छै एकटा नागरिक होबे के नाते तै प्रकार के एटीट्यूडनल चेंज जे छै से सोसाइटीओ में अननाइ जे छै से आवश्यक छै पूर्वाधार के जे बात करी त शिक्षा क्षेत्र मात्र नै कनिक एकरा फैलबै छी चाहे ओ सड़क में भ सकै स्वास्थ्य क्षेत्र में अस्पताल भ सकै या अन्य चीज सब भ सकै पूर्वाधार विकास में प्रदेश सरकार के कैल जाय वाला काज देखाई द रहल छै जमीनी स्तर पर नहीं, जनता देख सकै हम सब त काजे नै कनै छी अहाँ जे किछ पूछऽ चाहै छी हमरा सब के काज करे के मौके नै भेटल छै अहाँ के ई आर्थिक वर्ष में हम सब किछ प्लान पॉलिसी लग आबि रहल छी लेकिन ओकर क्रियान्वयन के जे समय हेतै तो आब नियमावली सब बनतै आब अहाँ के शुरुआती दौर में छै जे आब अहाँ के मंगसिर एक गते से वो सब जे छै से आब रियल अवस्था में आगा बढ़तै एहि से पहिलका जे बात कहबै तऽ खास कऽ कऽ अहाँ कहै छी दू तीन टा चीज में हम सब बढ़िया केलहुँ हैं जेना अहाँ के स्थानीय तह के सेहो ओहिमे बहुत बड़का भूमिका छै इंफ्रास्ट्रक्चर में खास कऽ कऽ ई सड़क के कनेक्टिविटी अहाँ के रोड सब के जे छै से वातावरण बनबऽ के वातावरण गाँव गाँव में जे छै से अहाँ के हरेक म्युनिसिपैलिटी में हरेक जे छै से रूरल म्युनिसिपैलिटी में ई सब चीज जे छै से आगा बढ़ि रहल छै स्थानीय समस्या सब जे छै तकरा समाधान करऽ के लेल भी ओकर स्थानीय प्रतिनिधि छै तकर बाद में अहाँ के जेना पहिले छलै अहाँ के मानव मलमूत्र जे छै से ओकर एकटा व्यवस्थापन के वातावरण में अहाँ के टॉयलेट सब के निर्माण के संख्या जे छै से यथेष्ट बढ़लै अहाँ के ओकर असर कैल भने इन्वायरमेंट पर सेहो पड़ै छलै अहाँ के तऽ ओहो सब चीज में जे छै से अहाँ के प्रगति भेलै यऽ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के जे अभियान छै सेहो अभियान जे छै से सकारात्मक ढंग से बढ़िया से आगा बढ़ि रहल छै तहिना हमसब जे छै से छात्र सब के ओ साइकिल वितरण के जे कार्यक्रम रहै ओहो अपना ढंग से जे छै से आगा बढ़ि रहल छै एखन एखन जे 7-8 महीना के जे पीरियड रहल छै सरकार के मतलब या बुझल जाय जे एडजस्ट करय में नया सिस्टम में आवा में कर्मचारी अभाव निकाय सब के पूर्णता देवा में लगभग ओही में समय अखन तक लाग रहल छै एकरा एना बुझे पड़तै अपना सब के जेना एकटा नया लिबास हम सब पहिरे चाहबै तो ओकरा बनाबै में तो टाइम लगतै दर्जी के तो अहाँ के 4 दिन टाइम देवे पड़तै 5 दिन टाइम देवे पड़तै अहाँ के लग में घर में ऑलरेडी बहुते लिबास है तो अहाँ के प्रिविलेज है कि अहाँ 2 महीना 4 महीना के बादो लेबे जेबै दर्जी लग में तैयो हेतै लेकिन जकरा छैहे नहि ओहो कम से कम 2-3 दिन टाइम तो ओकरा देबे पड़तै स्टिचिंग के जे समय छै सीबऽ के जे समय छै तऽ देबे पड़तै तऽ प्रदेश सरकार के 7-8 महीना के जे अहाँ बात करि रहल छियै सबसे तऽ ई बुझऽ पड़तै मधेश के जनता के आम जनता के ई बुझऽ पड़तै हुनका सबके कि हमसब अपन सिस्टम बनाबै के प्रयत्न कऽ रहल छी नया सिस्टम बनाबै के प्रयत्न कऽ रहल छी आओर जखन कि हमरा सब लगमे यथेष्ट राजनीतिक शक्ति जे छै से हमरा सबके नहि प्राप्त भेल जनता के बीच में जे छै से इहो बात के बुझऽ पड़तै जेना अहाँके छोटका बात कहि रहल छी कि प्रदेश के नामांकन की हेतै प्रदेश के जे छै से सीमांकन के सवाल उठतै प्रदेश के जे छै से अहाँके की नाम रखबै ओहो पर यदि बात हेतै तऽ हम मधेसी गठबंधन के एहन अवस्था नहि छै जे जे नाम रखबै हमसब से काल्हि बने भऽ जेतै तऽ एते टाइम नहि लगतै पहिले भऽ जेतै अहाँके तऽ जनतो के एकटा बात कथी बुझऽ पड़तै कि हमसब नया सिस्टम बनाबऽ चाहि रहल छी तऽ ओकर तऽ किछु समय तऽ लगतै जेना आइ के डेट मे अहाँके आब ऑफिस सब सेटअप भऽ रहल छै भऽ चुकलै बहुते चीज अखन प्रोसेसे मे छै तऽ ई तऽ अहाँ जाबत तक अहाँके कैपेसिटी बिल्डिंग नहि करबै ताबत तक डिलीवर तऽ भइए नहि सकै छै तऽ एकर तऽ अपने एकटा टाइम लगै छै एकर अपन कोर्स छै अहाँके आओर राजनीतिक वृत्तमे जे ब्यूरोक्रेटिक काज होइ छै अहाँके पोलिटिकल काज होइ छै ओकर अपने एकटा पेसअप स्पीड होइ छै ओकर अपने एकटा ऑब्लिगेशन सब रहै छै ओ ऑब्लिगेशन सब तऽ फुलफिल करहे पड़तै ककरो भी ताहि दुआरे बहुत पैथेटिक होबऽके अवस्था नहि छै आओर हम अहाँके ई कहि रहल छी कि प्रदेश सरकार आओर खास कऽ के प्रदेश नम्बर 2 के सरकार अन्य प्रदेश सबके तुलनामे हमसब बहुत बढ़िआँ कऽ रहल छी एहि दुआरे बढ़िआँ कऽ रहल छी कि हमरा सबके करहोके चाही कारण जे सब मॉडल प्रदेशके रूपमे एकरा प्रदेश नम्बर 2 लऽ जाइके अवस्था छै आओर प्रदेश नम्बर 2 सरकारके जे नेतृत्व करनिहार व्यक्तित्व सब छथिन ओ सब ज्यादातर हमरा बुझाइए 100% लोकसब जे छै से अहाँके मधेश मूवमेंट राजनीतिक मूवमेंटमे जे छै से अगुआ भूमिका निर्वाह करनिहार साथी सब छथिन ओहिठाम नेतृत्वमे ताहि दुआरे हमरा सब लगमे तऽ अहाँके एक्सक्यूजके जगह नहि छै लेकिन रहि की गेलै तऽ इहो बात अपना सबके एकटा बुझनाइ कथी जरूरी छै कि नया सिस्टम निर्माण करैके लेल किछु समय लगै छै
अधिकार प्राप्ति करके लिए किस समय लगे क्रियान्वयन करके रूप में किस समय लगे हम सब चाहियो के जना एक दूटा चीज हम देख रहा छे कि अखन स्थानीय तह में बहुत काज भ रहा है स्थानीय तह में उल्लेख्य संख्या में मधेशी गठबंधन के प्रमुख उपप्रमुख सबके निर्वाचित भेल छे अहाँ के वड़ा अध्यक्ष जी सबके निर्वाचन भेल छे अहाँ के प्रदेशों सरकार बहुत काज कर रहा छे लेकिन आम रूप में जनता के एक बहुत जनता के अधिकतर जनता के नहीं बुझल छे काज हमारे स्थानीय सरकार कर रही काज हमारे प्रदेश सरकार कर दिलक हुनका सबके अखनो ई बुझा रहा छे सब काज से केंद्रीय सिस्टम में पहले जना मंत्री सब चले मंत्रालय सब चले काठमांडुए से ही सब चीज भ रहा है ते दुआरे अब हमरा सबके एक इहो चैलेंज चुनौती है ओकरा हम सब नया ढंग से ल जाय चाहि रहल छी कि प्रदेश सरकार के जे भी कोनो कार्य योजना हम सब आगा लक आयब तो ओकरा पहले एक टैग से कॉमन साझा ब्रांडिंग करे के अवस्था छै कि प्रदेश योजना प्रदेश सरकार योजना प्रदेश सरकार के ई कहि के ओकरा जोड़ पड़तै जैसे कि हेतै कि पीपुल में ई बुझाय जे ई योजना से प्रदेश सरकार बनल के एकरा सफलता के साथ कार्यान्वयन के एखन जना अहाँ जे बात सब कहलिए ओहिमे लगभग एक साल यदि हम अहाँ सपोज करी आरो चार महीना पाँच महीना जे ठीक से इंस्टीट्यूशन सब बनाबऽ में सिस्टम लाबऽ में टाइम लागि रहल छै तऽ सरकार के जे टेन्योर छै पाँच साल के कार्य अवधि ओहिके बाद कतेक विश्वास छै जे जनता बुझि पेतै जे हाँ ठीक छै काज भेलै जे समय अवधि रहै चुनौती सबके बावजूद भी ई प्रदेश सरकार बढ़िया काज कऽ कऽ गेलै ओ पाँच साल के बाद स्थिति देखै छियै एकदम हम देख रहल छी अहाँके एहि दुआरे जे एटीट्यूड जे छै से अहाँके लीडरशिप में बहुत सकारात्मक छै आओर दोसर अहाँके बहुते बेसी समयो हमसब नहि माँगि रहल छी हमरा सब जे काज सब बोलै छै तऽ भइए रहल छै काज कइए रहल छी आब ओहो फेज जे छै समाप्त भऽ रहल छै आब हमसब जे छै से नया नया जे प्रदेश सरकार के बिल सब एतै ओ सब नया नया चीज सबके चुनौती सबके जे समाधान करैत जेतै अहाँके हमरा सबके लक्ष्य छै जे कम से कम प्रदेश नंबर दू के आर्थिक समृद्धि के जे छै से अहाँके GDP ग्रोथ रेट हमसब कम से कम जे छै से अहाँके केन्द्र के सकारात्मक यदि पहलकदमी रहतै तऽ एहि प्रदेश के जे छै से GDP ग्रोथ हमसब 8+% में लऽ जायल जा सकै छै तकर प्रचुर संभावना छै अहाँके कारण जे बहुत ठमन जे छै से डिप्राइव्ड छै बहुत सेक्टर डिप्राइव्ड छै मतलब ओ अविकसित के अवस्था में छै ताहि दुआरे हरेक जगह में एकटा अवसर छै जे हमसब काज कऽ कऽ देखाबि सकी GDP के जो सवाल एतै GDP के जेना ग्रोथ फिगर अहाँ बताबि रहल छी कृषि सबसे अहम भूमिका निर्वाह हम वही में आबि रहल छलहुँ हैं तो हमरा सबके कथी अखन जे देश के टोटल GDP छै ओकर 1/3 कंट्रीब्यूशन जे छै अहाँके प्रदेश नंबर दू से भऽ रहल छै ओकरा हमरा सबके अभिवृद्धि करै के दोसर ई प्रदेश जे छै से अहाँके किसान के लेल और कृषक के लेल एग्रीकल्चर बेस्ड जे छै प्रदेश के एकरा निर्माण करय पड़तै तऽ कृषि प्रति के लोक के झुकाव बढ़ाबै के लेल अहाँके नौजवान युवा साथी सब पढ़ल लिखल साथी सबके जे छै से एहिमे झुकाव बढ़ाबै के लेल कृषि के जे छै से अहाँके कृषि व्यवसायीकरण से जोड़ पड़तै एकरा एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री सब में जे छै एकरा लऽ जाय पड़तै ताहि दुआरे कम से कम ई प्रदेश सरकार जे छै से अहाँके वार्षिक अहाँके एकटा जे छै से साइजेबल संख्या के रोजगार सृजना करय के लेल कृषि के आधुनिकीकरण पर जे छै से जोर देतै नीति आयोग के सबसे प्राथमिकता के विषय जे छै से हमरा सबके लेल अहाँके कृषि के आधुनिकीकरण कृषि में जे छै से प्रदेश के इंडिपेंडेंट मात्रे नहि सरप्लस प्रोडक्शन कऽ कऽ जे छै से कम हमसब दोसर प्रदेश में निर्यात करी से अवस्था सृजना करय पड़तै अपना सबके ताहि के लेल जे छै से नीति आयोग अपन जे छै से कंसेप्शन आगा बढ़ाबि रहल छै तहिने अहाँके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के प्रोसेस में ह्यूमन डेवलपमेंट के प्रोसेस में जे छै से अहाँके एजुकेशन इंडस्ट्री सबके एजुकेशन सेक्टर्स के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में अहाँके कैपेसिटी बिल्डिंग के काज जे छै से अहाँके प्रदेश सरकार करतै किसान के कैपेसिटी बिल्डिंग के काज जे छै से अहाँके प्रदेश सरकार करतै जाहिसँ की हेतै अहाँके कि हमसब भऽ सकै छै जे हमसब अहाँके अनाज पैडी जे छै से एक्सपोर्ट कऽ सकै छी हमसब सीमेंट सबसँ प्रदेश एहि प्रदेश के जे छै सबसँ लार्जेस्ट फैक्ट्री सबसँ बेसी संख्या के जे छै से सीमेंट फैक्ट्री एहि प्रदेश मे छै सीमेंट हमसब दोसर प्रदेश मे एक्सपोर्ट कऽ सकै छी अहाँके तहिने अहाँके जे छै से आम जे छै से बहुत प्रोडक्शन होइ छै एहिठमन आम के लेल जे छै से हमसब एकटा योजना बना सकै छी कि आम के केना कऽ पेस्टराइज कऽ कऽ ओकरा जे छै से दीर्घकालीन रूप में ओकरा राखि सकी ओहिसँ पेय बना कऽ पेय पदार्थ बना कऽ जे छै से दोसर प्रदेश सब, सब मतलब एक्सपोर्ट कऽ सकी कृषि के औद्योगिकरण सँ जोड़ि कऽ काज करय के विचार जोड़े पड़तै जेना हम अहाँ कहि रहल छी जे हमरा सबके एहिठमन किसान जे छै से कुसियार के लेल कहबै तऽ चीनी मिल जे छै से लगभग हमरा बुझै 10 सँ बेसी चीनी मिल जे छै से अपना सबके एहि प्रदेश मे छै अहाँके ओ चीनी मिल के जे छै से संचालन सँ लऽ कऽ किसान
किसान के उखु खेती करे के लेल कुशियार खेती करे के लेल कैपेसिटी बिल्डिंग के जैसे प्रोसेस सब की सब सबसे तो अर्थ जुरा में एते ने तो डायरेक्टली अर्थ ओई के अभाव है कि बजट पुगा ले नहीं नहीं देखिए कथि छै कि हम सब बहुते बेसी जैसे से केंद्रमुखी भक चाहे बहुते बेसी जैसे से हम सब अपन कैपेसिटी बिल्डिंग क सके छी। दोसर एकटा हम मार्मिक बात कदी कह चाहि रहल छी कि अइ प्रदेश भीतर में जतेक इंडस्ट्रियलिस्ट जैसे से लोक इन सब छथिन जतेक अहाँ के एक्सपर्ट लोग सब छथिन हुनका सब के जैसे अहाँ के वन स्टेप फर्दर आगा आबऽ पड़ते और प्रदेश सरकार नीति आयोग हम जहाँ कहलहुँ इंटेंस डायलॉग प्रोसेस में हम सब आगा बढ़ रहल छी। किछु योजना हमरा सब के एहनो बनाबऽ पड़ते जे प्रदेश नंबर दू के जनता प्रदेश नंबर दू के उद्योगी व्यवसायी प्रदेश नंबर दू के जे किसान अपनों से अपन एकटा गरिमामय योजना के घोषणा कऽ सकैया हम सब अपनों से ओहि चीज के निर्माण कऽ सकै छी। कारण जे सब चीज जे छै से केंद्र मुखिए भऽ कऽ जे छै से संभव नहि भऽ सकै छै। दोसर नंबर बाद एकटा उदाहरणीय जे छै से एक्टिविटी सब प्रोग्राम सब सेहो लऽ कऽ हमसब जा सकै छी और संगे संगे केंद्र संगे के जे एकटा मानि लेल जाए हम शब्द प्रयोग नहि करऽ चाहै छी जे एक प्रकार के जे संघर्ष छै ओ तऽ कतौ भी जारिये छै। आइ अपने सब के जे छै से छिमेकी मुलुक छै भारत बहुते वर्ष भऽ गेल ओहिठाम संहिता के एक्सरसाइज के केला लेकिन बहुत वर्ष के बाद जहन नरेंद्र मोदी जी श्री नरेंद्र मोदी जी एलखिन तो बहुत ज्यादा बजट विनियोजन केलखिन प्रदेश सरकार सबके कैपेसिटी बिल्डिंग में। तो एक ऐसी सकारात्मक सोच के नेतृत्व केंद्र में सेहो एते केंद्रों में से मधेशी गठबंधन जैसे एक साइजेबल संख्या में हमसब छी ताहि दुआरे काल्हि भने जे छै से ओ सब एकपक्षीय ढंग से जे छै से आगा बढ़थिन तऽ एहि प्रदेश के जे बजट छै एहि प्रदेश के जे रेवेन्यू कलेक्शन के जे प्रोसेस छै तऽ काल्हि भने ओहो पर असर पड़तै। हमरा नहि बुझाइ जे ओहि प्रकार के कन्फ्लिक्टिंग वातावरण बनते कारण जे ई संविधान क्रियान्वयन के ओर छै तहु के लेल प्रदेश के सफलता के आवश्यकता छै। कार्यक्रम के एकदम अंत में छी एकटा जे होइ छै जनरल रैपिड फायर जकरा कहल जाइ छै ओहन में जवाब चाहब अपने से एकदम संक्षिप्त में दू तीन टा प्रश्न सब आना चाहै छी एकदम समय के अभाव से प्रदेश से कनी बाहर चली केंद्र लेवल में संविधान संशोधन होबे के कते संभावना देखै छी? 100% संभावना छै नहि हेतै तऽ ई संविधान नहि रहतै। अहाँ सब पार्टी के बात आबि रहल छै राज्यपाल जे छठि के बाद आंदोलन हेतै चाहे सरकार के समर्थन देनाय नहि देनाय ओहि पर चर्चा हेतै की छै एखन तक बातचीत? संविधान संशोधन के प्रक्रिया के आगा बढ़ेनाय मधेश आंदोलन संगे जुड़ल मुद्दा सब छै रेशम चौधरी के शपथ ग्रहण हमर सब के नेता कार्यकर्ता जेल में छथि हुनकर सब के रिहाई मुद्दा फिरता ई सब चीज नहीं हेतै तो फिरता हेतै समर्थन सरकार के तरफ से की एखन तक बात आबि रहल अछि सब विषय में? सरकार के करऽ पड़तै हुनकर बात पर नहीं जाके छै कारण बात तो दू बरस से भ रहल छै लेकिन दू तिहाई में तो वह सब छथि ताहि दुआरे समस्या वह सब केने छथिन समाधान हुनके सब के देबे के छै तैं हुनका वोट देने छै। अहाँ सबके आंदोलन में एकटा पार्टनर एखन केंद्र सरकार में छथि प्रदेश सरकार में गवर्नमेंट लीड कर रहल छथि ओहिसँ कतेक अहाँ सबके दिक्कत हैत मधेश के जनता के मांग ओतऽ जे छै संसद में रिप्रेजेंट कराबऽ में गणितीय हिसाब से? कोनो दिक्कत नहि छै प्रदेश में हमसब संगे संगे काज कऽ रहल छी केंद्रो में जे एजेंडा के बात छै मुद्दा के बात छै मांग के बात छै तऽ जे एकटा पार्टनर अपने संघीय गठबंधन के मधेशी गठबंधन के संघीय समाजवादी फोरम के इंगित करऽ चाहि रहल छी तऽ ओ सब मंत्रालय में छथिन केंद्रीय सरकारों में छथिन तऽ हुनको सबके मांग इएह छै ताहि दुआरे दुनू तरफ से जोर बल ओतबे छै ताहि दुआरे ओहिसँ बहुत फर्क पड़ वाला हम नहि देख रहल छी। कार्यक्रम में एलहुँ बातचीत केलहुँ एहिके लेल बहुत बहुत धन्यवाद। विचार रहे के मौका देलहुँ धन्यवाद। दर्शकवृन्द आई के प्राइम टाइम में हमरा सबके अतिथि छलथि प्रदेश दू के नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर सुरेंद्र झा हुनका संगे के आई के बातचीत एते समाप्त करै छी। हमसब फेर से अगला दिन या समय में उपस्थित हेबे करब ता धरि के लेल हम अमित ठाकुर के विदा दिया अपन टेलीविजन देखते रही नमस्कार।